हेलो, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। साल 2000 में ले चलते हैं आपको। एक फिल्म आई थी, कहो ना प्यार है। इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड बनाए और कई तोड़े। इस फिल्म से एक स्टार किड ने डेब्यू किया था अपना, एक्टर डायरेक्टर राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन ने। इस फिल्म से ऋतिक रातों रात स्टार बन गए थे। 2001 में वो करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम में दिखाई दिए और वो भी हिट रही। ये ऋतिक की शुरू शुरू की वो फिल्में हैं जो सक्सेसफुल रही। लेकिन इसके अलावा ऋतिक जो फिल्म कर रहे थे वो पिट रही थी। इनमें फिजा, ना तुम जानो ना हम, यादें, आप मुझे अच्छे लगने लगे और मुझसे दोस्ती करोगे जैसी फिल्में शामिल थी। जब ऐसा लगने लगा कि ऋतिक भी वन नाइट वंडर टाइप स्टार किड बनकर रह जाएंगे, तब ऋतिक के रेस्क्यू को आए उनके पहले डायरेक्टर और पापा राकेश रोशन। राकेश ने ऋतिक के लिए एक साइंस फिक्शन फिल्म प्लान की। ये एक ऐसे लड़के की कहानी थी जिसका दिमाग एक बच्चे जितना होता है और उसके साथ एक एलियन होता है। फिल्म का नाम था कोई मिल गया। ये फिल्म रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर रही। इसे बच्चों, बूढ़ों से लेकर रिव्यूअर्स तक ने पसंद किया। ये फिल्म ऋतिक के लड़खड़ाते करियर को वापस पटरी पर लेकर आई। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ रेखा और प्रीति जिंटा भी दिखी थी। इस फिल्म से जुड़े कुछ मजेदार किस्से आज हम आपको बताना चाहते हैं, तो शुरू करते हैं। पहली बात यह कि कोई मिल गया के लिए राकेश रोशन पर इल्जाम लगा था कि एक हॉलीवुड फिल्म ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की कॉपी है। स्टीवन स्पीलबर्ग डायरेक्टेड इस फिल्म को सत्यजीत रे की फिल्म जो कभी बन नहीं पाई एलियन की नकल माना जाता है। हुआ ये था कि साल 1962 में बंगाल में छपने वाली बच्चों की मैगजीन संदेश में सत्यजीत रे ने एक शॉर्ट फिल्म लिखी थी। इसका नाम था बोंकू बाबूर बोंधू। ये एक छोटे बच्चों और एलियन की कहानी थी। 1967 में रे इस कहानी पर एक हॉलीवुड फिल्म बनाना चाहते थे, द एलियन। इसमें उनकी मदद की 1967 में आई स्टैनली कुब्रिक की फिल्म 2001 अ स्पेस ऑफ ओडिसी के राइटर आर्थर सी क्लार्क ने। क्लार्क ने रे को एक एजेंट से मिलवाया जिसने उनकी कहानी का कॉपीराइट वगैरह करवाया था। उसने इसके राइट्स में पहला नाम अपना और दूसरा रे का दर्ज करवाया, जबकि स्क्रिप्ट पूरी रे की थी। उसने बिना किसी को बताए खुद को एसोसिएट प्रोड्यूसर बना लिया, कोलंबिया से पैसा ले लिया, जिसकी झलक भी रे को नहीं दिखाई। इस धोखेबाजी से रे बहुत दुखी हुए और भारत लौट आए। इसके बाद साल 1982 में ईटी रिलीज हुई और विवाद गहरा गया, क्योंकि रे की द एलियन और ईटी में बहुत समानताएं थी। लेकिन रे ने खुद को पूरे सम्मान के साथ इस विवाद से बाहर निकाल लिया। अब कहा जाने लगा कि राकेश रोशन की कोई मिल गया स्पीलबर्ग की ईटी यानी सत्यजीत रे की द एलियन से प्रेरित है। लेकिन राकेश ने भी इस बात से मना कर दिया, स्वीकार नहीं किया। दूसरी बात यह है कि कोई मिल गया में ऋतिक को मानसिक रूप से असंतुलित बच्चे का किरदार निभाने के लिए कम उम्र का दिखना था। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो इसके साथ कई और फिल्में भी शूट कर रहे थे। इसके लिए वजन घटाना उनके लिए मुश्किल था। तो क्या हुआ, इसका तोड़ ऐसे निकाला गया कि ऋतिक को पूरी फिल्म में ढीले कपड़े पहनाए जाएंगे, ये सोचा गया, और हेयर स्टाइल ऐसा रखा जाएगा जिससे उनका चेहरा पतला लगे और वो कम उम्र के बच्चे लगे। ये सब होने के बाद ऋतिक को स्कूल जाने वाला बच्चा दिखाने के लिए चश्मा पहनाने की बात आई। चश्मे चुनने शुरू हुए, कई चश्मे ट्राई किए, लेकिन बाद में ऋतिक को एक पसंद आया। फिर वहाँ से ये ट्रिविया चल पड़ा कि ये जो ग्लासेस हैं वो वही हैं जो ऋतिक ने कहो ना प्यार है कि दूसरे हिस्से, दूसरे पार्ट में राज के किरदार में स्टाइल करके पहने थे। इस फिल्म के बारे में सब कुछ बहुत पॉपुलर हो गया, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर, इंद्रवदन पुरोहित, यानी वो आदमी जिसने फिल्म में दूसरे ग्रह से आए एलियन जादू का रोल किया था। कोई मिल गया के बारे में कहा जाता है कि फिल्म के डायरेक्टर और ऋतिक के पापा राकेश रोशन अपने इस किरदार को पब्लिक से छुपा कर रखना चाहते थे। इंद्रवदन हिंदी, गुजराती, मराठी समेत कुल 30 फिल्मों में काम कर चुके हैं। वो बॉलीवुड फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग में भी दिखाई दिए थे। इसमें उन्होंने एक कैरेक्टर के लिए बॉडी डबल प्ले किया था। हालांकि 2014 में उनकी डेथ हो गई थी। अगली बात यह कि भारत में कोई मिल गया वाला कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन नहीं था, इसलिए राकेश रोशन इस फिल्म को लेकर बहुत श्योर भी नहीं थे। लेकिन फिल्म डूबे नहीं, इसका इंतजाम उन्होंने पहले ही कर लिया। उन्होंने कोई मिल गया के दो क्लाइमैक्स शूट किए। पहला, जो फिल्म में दिखाया गया कि जादू जाते जाते रोहित को कुछ खास शक्तियां देकर जाता है। दूसरा, जिसमें जादू बिना शक्ति दिए वापस चला जाता है और रोहित निशा के साथ खड़े होकर उसे बाय करता है। राकेश को लगा कि पब्लिक ज्यादा हैप्पी एंडिंग वाला क्लाइमैक्स पसंद करेगी, ये तो जनरली होता ही है, इसलिए उन्होंने दूसरे वाले को रहने दिया और फिल्म में नहीं लिया।
और आखिरी बात ये कि ये फिल्म ऋतिक के लिए बहुत लगी रही। फिल्म जितनी ही सराही गई, ऋतिक की एक्टिंग भी उतनी ही पसंद की गई। एक 11 साल के बच्चे जैसा दिखना और बिहेव करना इतना भी आसान नहीं होता। इसका रिजल्ट ऋतिक को अवार्ड्स के रूप में मिलना शुरू हुआ। वो पहले एक्टर थे जिन्हें फिल्मफेयर का क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्टर दोनों अवार्ड मिले थे। और इसके बाद ये कारनामा अमिताभ बच्चन ने संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक में और रणबीर कपूर ने इम्तियाज अली की रॉक स्टार में अपनी परफॉर्मेंसेज से दोहराया। मज़ा आया तो बस आपको हमसे जुड़कर रहना होगा। वो कैसे होगा? फेसबुक पर देख रहे हैं तो अगर आपने हमारा पेज लाइक नहीं किया है उसे लाइक करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एक छोटा सा बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।